हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 101 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रीजन के लिए है। डिटेल वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से क्लिक करके आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट के सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पहले बायो से, उसके बाद केमिस्ट्री पे आएंगे, फिर आएंगे यहाँ पे फिजिक्स पे। अगर इस वीडियो क्वालिटी आपको लो लगे तो आप वीडियो लेयर एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, उसके बाद अगर व्हील्स मीडिया प्लेयर से चलाएंगे तो आपको फुल स्क्रीन में एचडी क्वालिटी में चलेगा। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ बायो का है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन रिसीव डीऑक्सीजनेटेड एज वेल एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये हमारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी मॉक टेस्ट में आ चुके हैं। आंसर डी, बोथ ए एंड सी, यानी लीवर एंड लंग्स बोथ। लीवर हार्ट एंड लंग्स हैव अ स्पेशल अरेंजमेंट सो दैट दे रिसीव बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइमल्टेनियसली। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आंसर यहाँ पे सी जो है इनकरेक्ट है। ऑल प्रोटोजोवंस आर हेटरोट्रॉफिक एंड लिव एज प्रीडेटर्स और सैप्रोफाइट्स। तो ये हमारा गलत है, बाकी ए बी और डी जो है बिल्कुल सही है। मेजोरिटी ऑफ इग्नोनाइट्स आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स और डायनोफिलाजिलेट्स आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ऑल प्रोटोजोवंस आर यूनिसेलुलर एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स, फोटोसिंथेटिक, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोवंस। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स आर फोटोऑटोट्रॉफिक लाइक डायटम्स, डायनोफिलाजिलेट्स एंड इग्नोनॉइड्स। प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट्स इंक्लूड सार्कोटिन्स, अमीबा, जूफ्लैजिलेट्स, स्पोरोजोवंस एंड सेलिएट्स। द एक्जॉन टर्मिनल्स ऑफ नर्व्स कंटेन्स आंसर ए सिनेप्टिक वेसिकल्स। द एक्जॉन टर्मिनल रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर्स फ्रॉम प्री सिनेप्टिक नॉब विच बाइंड्स विद द रिसेप्टर्स ऑफ फोटो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अक्रॉस सिनेप्स। इन जनरल जूफाज और द वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स डज नॉट हैव, आंसर विल बी बी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल सेल्स कैन हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। दे डू नॉट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन सम बैक्टेरियोफेजेस लाइक M13 वायरसेज एंड 5X174 वायरसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबलिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ आईज कंटेन थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स। आंसर विल बी सी, यहाँ पे डी होगा सी, रेटिना। ओके, द इनर लेयर ऑफ द आई इज द रेटिना एंड इट कंटेन्स थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, गैंग्लियोनिक सेल, बाइपोलर सेल्स एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स। अ टोटोनिम इज, आंसर विल बी बी सेम नेम फॉर जीनस एंड स्पीसीज। अ साइंटिफिक नेम हैविंग द सेम जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम इज कॉल्ड टोटोनिम्स। टोटोनिम्स आर एक्सेप्टेड फॉर एनिमल्स बट नॉट एक्सेप्टेड फॉर प्लांट्स। एग्जाम्पल्स रैटस रैटस, नाजा नाजा, कटला कटला। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज, आंसर ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन रिफर्स टू मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दैट कैन बी यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल रेजिमेंस रिकमेंडेड बाई WHO और यूलिप्रिस्टल एसीटेट, लिवेंजोस्ट्रॉल और कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव COCs कंसिस्टिंग ऑफ इथिनाइल एस्ट्राडियोल प्लस लेवेनोजोस्ट्रॉल। टोनोप्लास्ट इज, आंसर बी वैक्यूलर मेम्ब्रेन। न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम, आंसर सी प्री एग्जिस्टिंग सेल। रुडोल्फ वर्चो फर्स्ट स्टेटेड दैट ओमनी सेलुला ए सेलुला विच मीन्स दैट ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाई डिविजन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज
स्टैट्यूटरली बैंड इन इंडिया ऑल दो इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी. आंसर विल बी सी, एमनियोसेंटेसिस. रिपीटेड क्वेश्चन है. एमनियोसेंटेसिस इज अ मेडिकल प्रोसीजर विच प्राइमरली इन प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी एंड फिटल इन्फेक्शंस एज वेल एज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन बैंड इन इंडिया. कार्बोहाइड्रेट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट्स इन. आंसर विल बी बी सेल टू सेल रिकॉग्निशन. कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एज अ चेन ऑफ शुगर, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स. कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म ओनली 1.5% ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड इट हेल्प्स इन द सेल टू सेल रिकॉग्निशन एज द सेल सरफेस रिसेप्टर्स. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग विटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होंगे ए और सी, यानी इट डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन हेटरोट्रॉफिक फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन ग्रीन प्लांट्स और पैरामीशियम एंड क्लोरेला वेयर प्लेस्ड इन सेम किंगडम. आर एच विटेकर क्लासिफाइड लिविंग वर्ल्ड इंटू फाइव किंगडम्स. ऑल प्रोकैरियोट्स वेयर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा. ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स लाइक पैरामीशियम, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास वेयर प्लेस टूगेदर इन किंगडम प्रोटिस्टा. ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स वेयर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफ्स वेयर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी. हेटरोट्रॉफिक फंजाई वेयर प्लेस्ड इन किंगडम माइकोटा एंड एनिमल्स वेयर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमेलिया. चूज द इनकरेक्ट मैच. तो यहाँ पे इनकरेक्ट मैच है डी, 6 मंथ फर्स्ट मोमेंट ऑफ फिटस इज सेंस्ड. तो ये हमारा इनकरेक्ट है. बाकी ए बी और सी जो है बिल्कुल करेक्ट हैं. और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले मॉक टेस्ट में आ चुका है. फर्स्ट मंथ फॉर्मेशन ऑफ हार्ट बिगिंस. सेकेंड मंथ डेवलपमेंट ऑफ लिम्स एंड डिजिट. थर्ड मंथ मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गेन्स सिस्टम आर फॉर्म्ड. इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड. बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स. बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गेन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड. फॉर एग्जाम्पल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गेन्स आर वेल डेवलप्ड. द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द फिटस एंड अपेयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड एंड ऑन द हेड आर यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ. बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स सेकेंड ट्राइमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर. आई लिड्स सेपरेट एंड आई लेसेज आर फॉर्म्ड. फाइटोफेगस आर. आंसर ए द इंसेक्ट्स दैट फीड्स ऑन प्लांट सैप. द ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर टर्म्ड एट फाइटोफेगस. फॉर प्लांट्स हर्बीवोर्स आर द प्रीडेटर्स. नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफेगस फीडिंग ऑन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. एज प्लांट्स कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दियर प्रीडेटर्स दे हैव इवॉल्व्ड अ वेराइटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेज अगेंस्ट हर्बीवोर्स. थॉर्न्स, एकेसिया, कैक्टस आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस. मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स दैट मेक द हर्बीवोर्स सिक एंड व्हेन दे आर ईटन. इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन. डिसरप्ट इट्स रिप्रोडक्शन और इवन किल इट. द हॉर्मोन दैट एक्ट्स विथ अदर हॉर्मोन्स टू इनिशिएट सिक्रेशन ऑफ मिल्क बाई द मेमरी ग्लैंड इज. आंसर विल बी डी बोथ ए एंड बी, यानी ल्यूटोट्रोफिन और प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड बाई द एंटेरियर पिट्यूटरी इन अ प्रेगनेंट फीमेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन ब्रेस्ट. ऑक्सीटोसिन काउजेज लेट डाउन ऑफ मिल्क. द प्रोलैक्टिन हॉर्मोन कंबाइंस विथ अदर हॉर्मोन्स टू इनिशिएट सिक्रेशन ऑफ मिल्क बाय द मेमरी ग्लैंड. प्रोलैक्टिन इज ऑल्सो नोन एज ल्यूटोट्रोपिन. द सेंट्रोमेयर इज दैट पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम वेयर क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड. आंसर बी. अ क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमैटिड्स दैट रिमेन अटैच्ड एट अ पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमेयर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. एट सेंट्रोमेयर टू डिस्क शेप्ड बॉडीज आर प्रेजेंट कॉल्ड काइनेटोकोर टू विच स्पिंडल फाइबर्स अटैच ड्यूरिंग सेल डिविजन. यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स तो फिल रीड कर लेंगे.
साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज। आंसर विल बी बी। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज। इन ह्यूमन बींग्स मेनार्की स्टार्ट्स एट पुबर्टी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इन मैन इज लोकेटेड ऑन। आंसर विल बी सी, एक्स क्रोमोजोम ओनली। कलर ब्लाइंडनेस इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच डिफेक्टिव रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोजोम फेल्स टू प्रोड्यूस पिगमेंट्स इन कलर डिटेक्टिंग सेल्स ऑफ आई। एज अ रिजल्ट द पर्सन इज अनेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी कलर रेड एंड ग्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। आंसर डी, बायोप्सी। A biopsy is a medical procedure that involves taking a small sample of tissue so that it can be examined under a microscope. This is one of cancer diagnostic methods most widely used. Bacteria protect themselves from viruses by fragmenting viral DNA with answer B, endonucleases. In 1963, two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. One of these added methyl groups to bacterial DNA while other cut viral DNA. The enzyme which cuts the DNA was later named as restriction endonuclease. Which of the following is an incorrect statement regarding benign tumor? आंसर यहाँ पे सी होगा, दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली। तो ये हमारा इनकरेक्ट है, बाकी ए बी डी जो है हमारे करेक्ट हैं। रिमेन कन्फाइंड टू दियर ओरिजिनल लोकेशन, दे डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स और दे काउजेज लिटिल डैमेज। बिनाइन ट्यूमर्स जनरली हैव अ स्लोअर ग्रोथ रेट देन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एंड द ट्यूमर सेल्स आर यूजुअली मोर डिफ्रेंशिएटेड। In a transcription unit, the promoter is located towards answer A, 5' end of the structural gene. A transcription unit consists of a promoter, a structural gene, and a terminator. The promoter is said to be located towards 5' end upstream of the structural gene. The reference is made with respect to the polarity of the coding strand. The amino acid coded by three codons is answer B, isoleucine. Since genetic code is degenerate in nature, one amino acid can be coded by more than one codon. Amino acid isoleucine is coded by three codons AUU, AUC, AUA. Tryptophan is coded by UGG, a single codon, and serine is coded by 6 codon, UCU, UCA, UCC, UCG, AGC, and AGU. 4 codons, CCU, CCC, CCA, and CCG, codes for proline. Bacteria that causes pneumonia are answer D, Streptococcus pneumonia एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया इन ह्यूमंस विच इन्फेक्ट्स द एल्वियोलाई एयर फिल्ड सैक्स ऑफ द लंग्स। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सिवियर प्रॉब्लम्स इन रिस्पायरेशन। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, चिल्स, cough and headache. In severe cases, the lips and finger nails may turn grey to blue in color. A healthy person acquires the infection by inhaling the droplets aerosols released by an infected person or even by sharing glasses and utensils with an infected person. If a plant with a genotype capital A small a capital B small b is self-fertilized, the probability of getting capital A, small b genotype will be A and B are not linked. Answer will be D,
वन बाई सिक्सटीन, इफ अ प्लांट विथ जीनो टाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इज सेल्फ फर्टिलाइज्ड, देन ओनली वन प्रोजेनी विथ जीनो टाइप कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑफ स्प्रिंग्स. द लाइव स्टॉक प्रोडक्शन इन इंडिया इंडिया एंड चाइना इज, आंसर विल यू सी 25%. इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ द लाइव स्टॉक वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना. हाउएवर इट इज सरप्राइजिंग टू नोट दैट द कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज ओनली 25%, दैट इज द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लो. हेंस इन एडिशन टू कन्वेंशनल प्रैक्टिसेज ऑफ एनिमल ब्रीडिंग एंड केयर, न्यूअर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो हैव टू बी अप्लाइड टू अचीव इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी. यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल का रीड कर लेंगे. द सीड बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्स सीटू कंजर्वेशन टेक्निक. इन एक्स सीटू कंजर्वेशन थ्रीटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम दियर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर. जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सीड बैंक्स आर ऑल मेथड्स ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन. जिनरेटिव सेल, न्यूसेलस, एंटीपोडल्स, स्टिग्मा, इम्ब्रियो, इंडोस्पर्म, सेकेंडरी न्यूक्लियस, मेगास्पोर. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ द एबव आर हैप्लोइड. तो यहाँ पे आंसर होगा बी, यानी टोटल थ्री जो यहाँ पे हैं वो हैप्लोइड है. जेनरेटिव सेल, एंटीपोडल एंड मेगास्पोर आर हैप्लोइड. स्ट्रक्चर, जेनरेटिव सेल इज प्रोड्यूस्ड बाई पॉलन ग्रेन विच इज मेल गैमेटोफाइट. एंटीपोडल्स आर हैप्लोइड सेल प्रेजेंट इन साइड द एम्ब्रियो सैक टुवार्ड्स द चलाजल रीजन. मेगास्पोर इज फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विच इज फॉर्म्ड बाई मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल. अ डाइकैरियोटिक स्टेज इज ऑब्जर्व्ड इन, आंसर विल बी डी, बेसिडियोमाइसिटीज. इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज प्लाज्मोगेमी इज नॉट इमिडिएटली फॉलोड बाई कैरियोगेमी एज अ रिजल्ट ऑफ डाइकैरियोटिक सेल इज प्रोड्यूस्ड. इन एस्कोमाइसिटीज द डाइकैरियोटिक सेल डिवाइड्स टू फॉर्म अ स्मॉल डाइकैरियोटिक हाइफा नोन एज एस्कोजीनस हाइफा विच प्रोड्यूस एस्कोस्पोर्स. इन बेसिडियोमाइसिटीज द डाइकैरियोटिक सेल डिवाइड्स टू फॉर्म अ वेल डेवलप्ड डाइकैरियोटिक माइसेलियम विच प्रोड्यूसेस बेसिडियम एट अ लेटर स्टेज. ओके, ये भी हमारा जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले मॉक टेस्ट में आ चुका है. द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर टुक प्लेस, आंसर सी, व्हेन द राइज ऑफ मॉडर्न फिशेज बर्ड्स एंड प्लासेंटल मैमल्स वेयर सीन. प्रिमिटिव अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, जॉलेस फिशेज 350 मिलियन ईयर्स एगो, सी वीड्स 320 मिलियन ईयर्स एगो, एंड देन केम रेप्टाइल्स. द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स टेक प्लेस अराउंड 65 मिलियन ईयर्स एगो इन द क्रिटेशियस पीरियड, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम वी कुड सी द राइज ऑफ मॉडर्न फिशेज बर्ड्स एंड प्लासेंटल मैमल्स. चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग. तो करेक्ट मैच यहाँ पे सी है, रिसेप्टर प्रोटीन दैट रिसीव स्मेल एंड टेस्ट. ओके, और ये जो क्वेश्चन है पहले भी रिपीट कुछ कर चुका, सिमिलर क्वेश्चन. कोलेजन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड. ग्लूट फोर इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन टू सेल्स. ग्लूट फोर तो बहुत बार मैच दो कॉलम में आ चुका है. रिसेप्टर्स प्रोटीन्स फॉर सेंसरी रिसेप्शंस लाइक स्मेल, टेस्ट, साउंड एक्सेट्रा. ट्रिप्सिन डाइजेस्टिव इंजाइम. क्वेश्चन नंबर 32. फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज द वन विथ द लोवेस्ट क्रेनियम कैपेसिटी कंपेयर टू द रेस्ट. ओके, ये है यहाँ पे होमो सेपियंस निडरथैलिस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस और जावा मैन. आंसर होगा बी, होमो हैबिलिस का होता है 652-800. हमने बताया भी था कि इसका हैबिलिस का याद रखने के लिए H4 हैबिलिस, H4 हेक्सा यानी 650, और 650 जो होता है वो सबसे मिनिमम होता है. 2 मिलियन ईयर्स एगो ऑस्ट्रेलोपिथेसेंस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स. एविडेंस शोज दैट दे हंटेड विथ स्टोन वीपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट.
सम ऑफ द बोन्स एमोंग द बोन्स रिडिस्कवर्ड वेयर डिफरेंट. दिस क्रिएचर वॉज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन बींग ह्यूमन लाइक बींग द होमिनिड एंड वॉज कॉल्ड होमो हैबिलिस. द ब्रेन कैपेसिटीज वेयर बिटवीन 650 to 800 cc. दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट. फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 रिवील्ड द नेक्स्ट स्टेज दैट इज होमो इरेक्टस अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स एगो. होमो इरेक्टस हैड अ लार्ज ब्रेन अराउंड 900 सीसी. होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट द नीडल्थल मैन विथ अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1,00,000 to 40,000 ईयर्स बैक. सी जे डी ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट एंड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज आर रिस्पेक्टिवली काउज्ड बाई. तो सी जे डी है जो हमारा जैकॉब्स डिजीज प्रियोंस काउज करते हैं, ब्लैक स्टेम रस्ट काउज करते हैं पक्सिनिया, और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काउज करते हैं वायरोइड्स. द मोस्ट नोटेबल डिजीज काउज्ड बाई प्रियोंस आर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड इट्स एनालोगस वेरियंट सी आर जैकोब डिजीज CJD इन ह्यूमन्स. इन 1971 टीओडाइनी डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शस एजेंट दैट वॉज स्मॉलर देन वायरसेज एंड काउज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री RNA. It lacked the protein coat that is found in viruses, hence the name viroid. The RNA of the viroid was of low molecular weight. Some fungi causes diseases in plants and animals. Wheat rust causing Puccinia is an important example. They grow in soil on logs and tree stumps and in living plant bodies as parasites, example rusts and smuts. क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ऑर्गेन्स रिसीव्स ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आंसर विल बी डी ओनली. यहाँ पे डी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं यानी स्प्लीन. बाकी हार्ट लंग्स और लीवर गिल्स जो है वो हमने इसी टेस्ट में पहले भी देखा, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन आया था. द स्प्लेनिक आर्टरी ब्रांचेज ऑफ फ्रॉम द ऑर्टा एंड द सीलियक ट्रंक टू डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्प्लीन व्हाइल द स्प्लेनिक वेन कैरिज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द स्प्लीन. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयरिंग रूल्स इज करेक्ट. आंसर विल बी डी एडेनिन विथ थायमिन एंड गुआनिन विथ साइटोसिन. अकॉर्डिंग टू चारगफ्स बेस पेयरिंग रूल इन अ डबल स्टैंडर्ड DNA अ डबल रिंग्ड प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विथ सिंगल रिंग्ड पैरिमिडिन. एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड गुआनिन पेयर्स विथ साइटोसिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल जंक्शन इज हाईली परमिएबल एंड काउज इजिली पैसेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स. आंसर विल बी सी गैप जंक्शंस. Gap junctions are aggregates of intercellular channels that permit direct cell-to-cell transfer of ions and small molecules. How many RNA polymerases are present in a bacterial system? Answer will be C1. In prokaryotic cells, only one type of RNA polymerase occurs, which catalyzes the transcription of all three types of RNA. In eukaryotic cell, three types of RNA polymerase occurs, which catalyzes the transcription of three different types of RNAs. How many statements are correct regarding the organisms as shown in the following figure? A. It belongs to class Cyclostomata. It has 6 to 15 pairs of gill slits. Their body is divided of स्केल्स. और डी इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स. तो ए बी सी यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि थ्री स्टेटमेंट्स आर यहाँ पे करेक्ट होंगे. द गिवन फिगर इज ऑफ अ जॉलिस वर्टिब्रेट कॉल्ड पेट्रोमाइजोन. इट बिलोंग्स टू द क्लास साइक्लोस्टोमाटा एंड दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स
फॉर रिस्पायरेशन। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। मेल कार्टिलेजिनस फिश हैव क्लैस्पर्स फाउंड फ्रॉम द पोस्टेरियर पोर्शन ऑफ देयर पेल्विक फिन विच सर्व एज इज यूज टू चैनल सीमेन इन टू द फीमेल कोक्लिया। सच फिश बिलोंग टू क्लास कॉन्ड्रिक्थीज। व्हेन अ सॉल्यूट इज मिक्सड द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल आंसर विल डी बी डिक्रीजेज। वाटर मॉलिक्यूल्स पजेज काइनेटिक एनर्जी इन लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म। दे आर इन रैंडम मोशन दैट इज बोथ रैपिड एंड कॉन्स्टेंट। द ग्रेटर द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। इफ सम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर द सोल्यूशन हैज फ्यूअर फ्री वाटर एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल। रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स स्टैंड्स ट्रू फॉर एंटेडॉन। आंसर विल बी सी एक्सक्लूसिवली मेराइन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंटेडॉन और सी लिली बिलोंग्स टू द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ऑल आर मेराइन विथ एन ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर readily symmetrical but larva are bilaterally symmetrical. They are triploblastic and coelomate animals. The digestive system is complete with the mouth with the mouth on the lower ventral side and anus on the upper dorsal side. Choose the wrong statement from the following. यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट होंगे। यहाँ पे बी मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम विच कैन नॉट बी कंज्यूम। तो ये पहले भी आ चुका है। आंसर हमारा बी जो है इनकरेक्ट है। बाकी ए सी और डी जो है करेक्ट है। न्यूरोस्पोरा इज यूज इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इकोनॉमिकली इन फर्मेंटेशन। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर एस्कोमाइसिटीज फंजाई विच आर इटेन एज डेलिकेसियस। न्यूरोस्पोरा इज कॉमनली नोन एज ड्रोसोफिल ऑफ प्लांट किंगडम एंड इज यूज एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन साइटोजेनेटिकल स्टडीज। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिटीज फंजाई विच इज यूज इन ब्रेड एंड बियर मेकिंग। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई पेनिसिलियम। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द एनाटोमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। आंसर यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। सी वैस्कुलर बंडल्स इन डाइकोट स्टेम्स आर अरेंज इन स्कैटर्ड मैनर। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। बाकी ए बी और डी जो है बिल्कुल सही है। ये भी हमारा जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले मॉक टेस्ट में आ चुके हैं। द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम्स मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म्स इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इन आइसो बाइलेटरल लीफ द मेजोफिल इज अनडिफ्रेंशिएटेड इंटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और बुली फॉर्म सेल्स आर ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ सम मोनोकॉट्स। वैस्कुलर बंडल्स इन डाइकोट स्टेम आर कंज्वाइंट कोलेटरल एंड ओपन। दे आर अरेंज इन रिंग अराउंड द सेंट्रल पीथ। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम इन विच ग्राउंड टिश्यू इज अनडिफ्रेंशिएटेड। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द स्टोमक फाउंड बाय द एक्शन ऑफ इंजाइम्स एंड एसिड इज कॉल्ड। आंसर विल बी डी काइम। द स्टोमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 hours। द फूड मिक्सेस थोरोली विथ द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टोमक बाय द चर्निंग मोमेंट्स ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड द काइम। द एसिडिक काइम इज फाउंड बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज एंड प्रोटीएज इंजाइम इन द स्टोमैक। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लेटरल मेरिस्टेम एक्सेप्ट। आंसर सी यहाँ पे जो है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम नहीं होंगे। द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटर कैलरी मेरिस्टेम। दे अकर इन ग्रासेज एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाई द ग्रेजिंग हर्बीवर्स। इट इज प्राइमरी मेरिस्टेम एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑन द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। आंसर यहाँ पे डी होंगे। ऑल ऑफ द डीज यहाँ पे करेक्ट है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार
पहले आ चुका है, राइज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू एंड हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन काउजेस शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टुवार्ड्स राइट। हाउ मेनी राउंड्स ऑफ क्रेब्स साइकिल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 6 FADH2 मॉलिक्यूल्स? आंसर विल बी 6। इन क्रेब्स साइकिल ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को ए 4 डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन अकर्स इन विथ FAD इज हाइड्रोजन एक्सेप्टर ओनली इन वन रिएक्शन, दस ओनली 1 FADH2 इज प्रोड्यूस्ड इन वन टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल। फॉर प्रोडक्शन ऑफ FADH2 6 टर्न्स ऑफ क्रेब्स साइकिल इज रिक्वायर्ड। एन RH पॉजिटिव मेल गेट्स मैरिड टू एन RH नेगेटिव फीमेल। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ड्यूरिंग दियर सेकेंड प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वुड बी ऑब्जर्व? आंसर विल बी डी। यहाँ पे होगा बोथ ए बी, यानी RH इनकम्पेटेबिलिटी डिजीज और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अ पेशेंट ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विथ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज इमिडिएटली गिवन? आंसर विल बी सी स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये भी हमारा क्वेश्चन जो है पहले भी आ चुका है। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लीडिंग टू अ हार्ट अटैक। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ये यहाँ पे कह रहा है, अ टेम्परेचर इज द मोस्ट रिलेवेंट इकोलॉजिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर। इट रेंजेज फ्रॉम सब जीरो लेवल्स इन पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड्स टू मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डिजर्ट्स इन समर। बी यहाँ पे कह रहा है, और फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन टोलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड यूरीथर्मल। सी द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स आर ऑल्सो हेवली डिपेंडेंट ऑन वाटर। इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स दैट कैन थ्राइव देयर। आंसर यहाँ पे डी होंगे, यानी कि चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंट फैक्टर्स। एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली एंड प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स। ऑर्गेनिजम्स विच कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड एज यूरीथर्मल्स। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज ऑल्सो हेवली डिपेंडेंट ऑन वाटर। द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल इन इंटरस्टिशियल स्पेस फॉर्म्स ड्यू टू। आंसर विल बी ए द लीकेज ऑफ फ्लूइड आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज जनरेटेड बाई द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग सिस्टोल। इट पुशेस वाटर आउट ऑफ द इन कैपिलरीज। दिस फ्लूइड लीक्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स एंड कंस्टिट्यूट द लिम्फ। द पिरामिड ऑफ बायोमास शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हाइयर ट्रॉफिक लेवल्स। आंसर यहाँ पे ए होगा। इन मोस्ट इकोसिस्टम्स ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट। दैट इज प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द हर्बीवोर्स, एंड हर्बीवोर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द कार्निवोर्स। ऑल्सो एनर्जी एट लोअर ट्रॉफिक लेवल्स इज ऑलवेज मोर देन एट अ हाइयर लेवल। इन एन अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ ग्रास लैंड इकोसिस्टम द पिरामिड शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हो तो फिल कर रीड कर लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है पहले भी आ चुका है और नीट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है शायद। ओके, प्लांट सक्सेशन इज द ग्रेजुअल प्रेडिक्टेबल चेंजेज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ एन एरिया। इट स्टार्ट्स विद द पायोनियर कम्युनिटी विच लीड्स टू स्टेबल क्लाइमेट कम्युनिटी विच रिजल्ट्स इन अ मैजिक कंडीशन। आंसर सी, प्लांट सक्सेशन इज अ ग्रेजुअल प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ एन एरिया विच स्टार्ट्स इन एक्सट्रीम कंडीशन एंड लीड्स टू मॉडरेट मेजोफाइटिक कंडीशन। क्लाइमेट कम्युनिटी इज द स्टेबल कम्युनिटी विच रिजल्ट्स इन स्टेबल कम्युनिटी। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फिल रीड कर लेंगे। द
एट्रियल वॉल ऑफ आर हार्ट सीक्रेट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एट्रियल नेटवर्टिक फैक्टर, जिसे ANF भी बोलते हैं, विच डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर बिकॉज इट काउजेज डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। एट्रियल नेटवर्टिक फैक्टर अ पावरफुल वैसो डायलेटर पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाई एट्रियल मायोसाइट सेल्स ऑफ एट्रिया ड्यूरिंग इंक्रीज ब्लड प्रेशर। दे वर्क टू रिड्यूस द वाटर लेवल, सोडियम एंड फैट लेवल, काउजिंग डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देयर बाई डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटलाइज्ड बाई टैक पॉलीमरेज इन अ PCR रिएक्शन? आंसर यहाँ पे सी होगा, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन टेम्पलेट। ओके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेप्स, जिसे हमने बताया था ट्रिक के माध्यम से, DAE यानी डीनेचुरेशन, एनियलिंग और एक्सटेंशन। इंजाइम टैक डीएनए पॉलीमरेज यूज टू कैटलाइज एडिशन ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स एट थ्री डैश इंड ऑफ प्राइमर, दस काउजिंग एक्सटेंशन ऑफ कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑन टेम्पलेट डीएनए। अकॉर्डिंग टू यूरो फोर नॉर्म्स, द क्वांटिटी ऑफ सल्फर इन पेट्रोल एंड डीजल शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ, आंसर ए 50 PPM। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी हैज लेड आउट अ रोड मैप ऑफ टू कट डाउन व्हीकुलर पॉल्यूशन इन इंडियन सिटीज। द रोड मैप वॉज टू रिड्यूस सल्फर टू 50 PPM इन पेट्रोल एंड डीजल एंड ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स टू 35%। द अमाउंट ऑफ यूरिया विच इज एक्सक्रीटेड आउट इन द यूरिन पर डे ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज, आंसर विल बी ए 25 to 30 grams। क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है। द एनिमल्स मस्ट डिटॉक्सिफाई अमोनिया बाई कन्वर्टिंग इट इंटू अ रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक फॉर्म सच एज एन यूरिया और यूरिक एसिड। मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स प्रोड्यूस यूरिया, वेयर एज रेप्टाइल्स एंड मेनी टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स प्रोड्यूस यूरिक एसिड। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 liters ऑफ यूरिन पर डे। द यूरिन फॉर्म्ड इज अ लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूड विच इज स्लाइटली एसिडिक, pH 6.0 एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। ऑन एन एवरेज 25 to 30 grams ऑफ यूरिया इज एक्सक्रूटेड आउट पर डे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे होगा डी। द जायंट रेड वुड ट्री सिकोहिया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। ऑल जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस एंड प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। मार्सेलिया इज अ टेडोफाइटा, गिंको एंड पाइनस आर जिम्नोस्पर्म्स। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जांट रेडवुड ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। इट इज कॉल्ड द फादर ऑफ द फॉरेस्ट ड्यू टू इट्स हाइट। द इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड, आंसर विल बी सी गाउट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। गाउट इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबोलिज्म अकरिंग स्पेशली इन मेन। बॉडी फॉर्म्स एक्सेस अमाउंट्स ऑफ यूरिक एसिड एंड द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम यूरेट आर डिपोजिटेड इन द सिनोवियल ज्वाइंट्स, गिविंग राइज टू सीवियर अर्थराइटिस। इट जनरली अफेक्ट्स वन और टू ज्वाइंट्स ओनली। इट इज वेरी पेनफुल पर्टिकुलरली एट नाइट एंड मेक्स मूवमेंट डिफिकल्ट। रेडनेस एंड टेंडरनेस मे बी नोटिस्ड इन एंड अबाउट द अफेक्टेड ज्वाइंट। ड्यूरिंग ऑटम अ बॉय नोटिसेस दैट रोड इज लिटर्ड विथ ऑरेंज लीव्स। ही लुक्स अप टू फाइंड दैट द ट्री इज डिवाइड ऑफ मोस्ट लीव्स व्हाइल सम ऑफ देम आर स्टिल फॉलिंग। द फाइटो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काउज इज, आंसर बी डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल एंड सेनेसेंस।
एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट्स सेनेसेंस ऑफ लिप्स बाय काउजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल एंड इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस। इट एक्ट्स एज जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। ABA इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन। ABA स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा एंड इंक्रीजेज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेज। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेस हॉर्मोन। ABA प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट मैचुरेशन एंड डोरमेंसी। बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी ABA हेल्प्स सीड्स टू विदस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। इन मोस्ट सिचुएशंस ABA एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्ट टू GA यानी जिब्रेलिक एसिड्स। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड ज्वाइंट ऑफ द बॉडी। आंसर यहाँ पे होगा डी ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो ये हमारा गलत है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और इसका ट्रिक भी हमने बना रखा है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका ट्रिक का आपको मिल जाएगा। बहुत ही ईजी ट्रिक है, आराम से याद हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पे जो ABC है यहाँ पे करेक्ट है। बॉल एंड सॉकर ज्वाइंट बिटवीन फीमर एंड पेल्विक गर्डल हिंज ज्वाइंट एल्बो ज्वाइंट में होते हैं और पाइवोट ज्वाइंट होते हैं बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ग्लाइडिंग ज्वाइंट ऑल्सो नोन एज प्लेन ज्वाइंट और प्लानर ज्वाइंट इज अ कॉमन टाइप ऑफ सिनेवियल ज्वाइंट फॉर्म्ड बिटवीन बोन्स दैट मीट एट फ्लैट और नियरली फ्लैट आर्टिकुलर सर्फेसेज। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स ऑलो द बोन्स टू ग्लाइड पास्ट वन अनदर इन एनी डायरेक्शन एलोंग द प्लेन ऑफ द ज्वाइंट अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट एंड डायगोनली। द प्लांट विच हैव दिस फ्लोरल डायग्राम पजेजेज। ए पैपरिनेशियस क्लोरोला कोरोला बी स्वेलन प्लासेंटा सी एपिपेटलस कंडीशन और डी एपिफाइलस कंडीशन। तो आंसर हमारा सी होगा। बी एंड सी जो है वो फ्लोरल डायग्राम को करेक्टली बता रहा है यानी स्वेलन प्लासेंटा और एपिपेटलस कंडीशन। द फ्लोरल डायग्राम इज ऑफ सोलनेसी फैमिली। द फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली आर इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी एक्जिलरी और साइमोज एज इन सोलेनम फ्लावर बायसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक कैलिक्स सेपल्स फाइव यूनाइटेड परसिस्टेंट वाल्वेट एस्टिवेशन कोरोला पेटल्स फाइव यूनाइटेड वाल्वेट एस्टिवेशन एंड्रोशियम स्टैमेंस फाइव एपिपेटलस गाइनेशियम बाइकार्पेलरी ऑब्लिगेटली प्लेस्ड सिन कार्पस ओवरी सुपेरियर बाई लोकुलर प्लासेंटा स्वेलन विथ मेनी ओव्यूल्स एक्जाइल फ्रूट्स बेरी और कैप्सूल सीड्स मेनी इंडो स्पर्मस। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड विल अंडर गो एट्रोफी ड्यूरिंग प्यूबर्टी। आंसर डी थाइमस। ओके, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है। द थाइमस ग्लैंड इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ऑर्टा। द थाइमस प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। दिस ग्लैंड सीक्रेट्स द पेप्टाइड हॉर्मोन्स कॉल्ड थाइमोसिन्स। थाइमोसिन्स प्ले अ मेजर रोल इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स विच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इन एडिशन थाइमोसिन्स ऑल्सो प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। द थाइमस स्टार्ट्स डिग्रेडिंग आफ्टर प्यूबर्टी अंडर द एक्शन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स। इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टेरियोफाज इन ई कोलाई वेयर आइसोलेटेड दे वेयर रिस्पेक्टिवली। आंसर यहाँ पे होगा सी मिथाइलेज और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। ये भी हमारा क्वेश्चन पहले आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इन द लेट 1960s साइंटिस्ट स्टीवर्ट लीन एंड वर्नर आर्बर आइसोलेटेड सैंपल्स ऑफ द टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फाज ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इन ई कोलाई बैक्टेरिया। वन ऑफ दीज एंजाइम मिथाइलेटेड DNA व्हाइल द अदर क्लीव्ड अनमिथाइलेटेड DNA एट अ वाइड वैरायटी ऑफ लोकेशन अलोंग द लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल। द फर्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम वॉज कॉल्ड अ मिथाइलेज व्हाइल द अदर वॉज कॉल्ड अ रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आंसर ए अल्फा इंटरफेरॉन। रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है। इंटरफेरॉन्स आर
एंटीवायरल प्रोटीन्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाई द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। द पेशेंट्स आर गिवेन सब्सटेंसेज कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सच एज अल्फा इंटरफेरॉन विच एक्टिवेट्स दियर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। द जीनो टाइप्स ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ आर IAIB एंड IAI। अमॉन्ग द ब्लड टाइप्स ऑफ दियर चिल्ड्रेन हाउ मेनी डिफरेंट जीनो टाइप्स एंड फिनो टाइप्स आर पॉसिबल। आंसर विल बी 4 जीनो टाइप्स एंड 3 फिनो टाइप्स। इफ द जीनो टाइप्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर IAIB एंड IAI रेस्पेक्टिवली देन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ जीनो टाइप्स एंड फिनो टाइप्स एमॉन्ग दियर चिल्ड्रेन कैन बी वर्कड आउट एज जीनो टाइप IAIA, IAI, IAIB और IBI। फिनोटाइप AB इज टू बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2:1:1। दस देयर आर 4 पॉसिबल जीनो टाइप्स एंड 3 पॉसिबल फिनो टाइप्स एमंग द चिल्ड्रेन। ये भी जो क्वेश्चन हमारा पहले आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। द हॉर्मोन विच इंक्रीज अलर्टनेस पिपुलरी डायलेशन पाइलो इरेक्शन इज केमिकली। आंसर विल बी डी एमिनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, यानी एड्रेनलिन इज एन एमिनो एसिड डेरिवेटिव। दे आर सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस। एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनिल आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस एंड आर कॉल्ड इमरजेंसी हॉर्मोन्स और हॉर्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। दीज हॉर्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस पिपुलरी डायलेशन पाइलो इरेक्शन रेजिंग ऑफ हेयर्स स्वेटिंग एक्सेट्रा। बोथ द हॉर्मोन्स इंक्रीजेज द हार्ट बीट द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रेक्शन एंड द रेट ऑफ रिस्पायरेशन। वेन इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर मोस्ट फेवरेबल देन द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व विल बी। आंसर विल बी जे शेप्ड। एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेस कंडीशंस कैन रीच इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन शॉर्ट टाइम एंड सच ग्रोथ फॉर्म्स अ जे शेप्ड कर्व। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। आंसर सी सब्सटेंसेज दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। द डिलीटरियस अफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन एंड इंटरनेशनल ट्रीटी नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइंड एट मॉन्ट्रियल कनाडा इन 1987 इफेक्टिव इन 1989 टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। अ स्टेबल कम्युनिटी इज कैरेक्टराइज बाई। आंसर डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कॉन्स्टेंट प्रोडक्टिविटी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाई एलियन स्पीसीज और हाई रेजिलियंस। ओके स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशंस इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेज, यानी नेचुरल और मैन मेड। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन्स बाई एलियन स्पीसीज। डेविड टिलमांस लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर्स। टिलमांस फाउंड दैट प्लॉट्स विथ मोर स्पीसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशंस इन टोटल बायोमास। ही ऑल्सो शोड दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट्स इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। द हॉर्मोन ऑफ पार्स इंटरमीडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। आंसर ए डार्कनिंग ऑफ स्किन इन लोअर वर्टिब्रेट्स। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन MSH और मेलेनोट्रोपिन इज सीक्रेटेड बाई द इंटरमीडिएट लोब ऑफ द एडिनो हाइपोफाइसिस पार्स इंटरमीडिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन मैमस अदर देन मैन सो नेम्ड इंटरमेडिन। इन लोअर वर्टिब्रेट्स इट टारगेट्स क्रोमैटोफोर्स सो दैट द स्किन कलर डार्केंस। इन बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड अदर मैमल्स इट्स रोल इज अनसर्टेन बट इन मैन इट इज प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन मोल्ड्स एक्सेट्रा। अलगी रिप्रोड्यूसिंग बाई बोथ आइसोगेमी एंड एनआइसोगेमी इज। आंसर विल बी यहाँ पे डी है, नन ऑफ दिज, यानी कि इसमें से कोई भी बोथ आइसोगेमी और एनआइसोगेमी से नहीं होते हैं। क्लेमेडोमोनास इज अ ग्रीन एल्गी इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी आइसोगेमी,
एनिसोगैमी एंड सम स्पीसीज इवन सो उगैमी. क्लेमाइडोमोनास शोज द इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी. वॉल्वोक्स एंड फ्यूकस रिप्रोड्यूस बाई उगैमी एंड स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस बाई आइसोगैमी. यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स इज दैट दे आंसर बी हैव स्पोरोफाइट अटैच टू गैमेटोफाइट. इन ब्रायोफाइट द प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट रिमेन अटैच टू द गैमेटोफाइट एंड प्रोड्यूसेस स्पोर्स. द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट. द एंडोस्पर्म अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स इज एबसेंट इन द सीड्स ऑफ आंसर बी ग्राउंड नट. द एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट इन सीड विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग इम्ब्रियो. इन सम सीड्स एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो. दस मैच्योर सीड लैक्स एंडोस्पर्म. सच सीड्स आर कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. एग्जाम्पल पी एंड ग्राउंड नट. क्वेश्चन नंबर 74. स्पीसी डाइवर्सिटी इंक्रीज एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम आंसर ए हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड एंड हाई लैटीट्यूड टू लो लैटीट्यूड. ये भी हमारा जो है रिपीटेड क्वेश्चन है. द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शोज अ रैदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी. द मोस्ट वेल नोन बींग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी. इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल्स विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस. ट्रॉपिक्स लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ हार्बर मोर स्पीसीज दैन टेम्परेट और पोलर एरियाज. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट रिफर्स टू आंसर ए सिंगल मेगास्पोर डेवलपिंग इन टू द इम्ब्रियो सैक. इन एंजियोस्पर्म्स सिंगल मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म फोर मेगास्पोर ऑफ विच थ्री डीजेनरेट्स एंड ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म सेवन सेल एट न्यूक्लियेट इम्ब्रियो सैक. दिस डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो सैक फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. रिपीटेड क्वेश्चन ये भी था हमारा. क्वेश्चन नंबर 76. इन विच टाइप ऑफ फ्लावर्स स्टिग्मा इज हेयरी एंड स्टिकी. आंसर बी विंड पोलिनेटेड फ्लावर. इन विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स स्टिग्मा इज फेदरी एंड ब्रांच स्टाइल एंड स्टिग्मा आर लॉन्ग. लॉन्ग स्टाइल्स बियर्स फेदरी हेयरी स्टिकी एंड ब्रांच स्टिग्मा टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स. ये भी हमारा रिपीट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 77. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ डी होगा. बोवेरी यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोजोमल सिग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड कॉल्ड इट्स क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ये हमारा जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. बाकी ए बी सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है. ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है. मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाईहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी द जीन्स दैट वेयर सेक्स लिंकेड. स्टूडेंट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोजोम्स एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप्ड देयर पोजिशन ऑन क्रोमोजोम. फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस. सट्टन एंड बोवेरी आर्गूड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरिड. सट्टन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड कॉल्ड इट द क्रोमोजोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस. द टू पेरेंट्स हैविंग द टू लोकाई इनकम्प्लीटली लिंक्ड एंड हेट्रोजाइगस इन नेचर आर क्रॉस्ड. व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइपिक फीचर्स इन द एफ टू जनरेशन. आंसर विल बी सी हाई पेरेंटल एंड लो रिकम्बिनेंट फिनोटाइप. इनकम्प्लीट लिंकेज. इन मेजोरिटी ऑफ केसेज द होमोलोगस क्रोमोजोम्स अंडर गो ब्रेकेज एंड रीयूनियन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस. ड्यूरिंग रीयूनियन द ब्रोकन पीस ऑफ द क्रोमैटिड्स आर एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग एक्सचेंज्ड प्रोड्यूसिंग सम
नॉन पेरेंटल और न्यू कम्बिनेशंस, देयर फोर द लिंकेज इज रेंडर्ड इनकम्प्लीट। द फेनोमेन ऑफ इंटरचेंज ऑफ क्रोमोजोम सेगमेंट्स बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोजोम्स इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इनकम्प्लीट लिंकेज इज वेरी कॉमन एंड हैज बीन स्टडीड इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स। इफ टू जीन्स प्रेजेंट एट डिफरेंट जीन लोकाई आर लिंक्ड देन ड्यूरिंग सेग्रीगेशन, मोर पेरेंटल टाइप इज प्रोड्यूस्ड एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आर लेस इन नंबर। क्वेश्चन नंबर 79, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ए होगा, द एक्टिव इंजाइम हैज अ टर्शियरी स्ट्रक्चर हैविंग मेनी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स। ओके, और बी सी डी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होंगे। इंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, इंजाइम्स लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन, और इंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन इन नेचर। इंजाइम्स आर प्रोटीन विच हैव टर्शियरी स्ट्रक्चर इन विच क्वालिंग एंड फोल्डिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लेफ्ट और कैविटी नोन एज एक्टिव साइट टू विच सबस्ट्रेट बाइंड्स। ईच इंजाइम मॉलिक्यूल हैज ओनली वन एक्टिव साइट। स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू, आंसर डी मेज। स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू मेज एज बोथ आर हैविंग सेम ऑरिजिन, दैट इज बोथ आर रूट बट मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड रूट फॉर स्टोरेज एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, व्हाइल इन मेज द रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, आंसर विल बी डी मैग्नीज एंड क्लोरीन। रिपीटेड क्वेश्चन है अभी, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे डी होगा, देयर इज नो डिविजन ऑफ लेबर इन द क्लोरोप्लास्ट, डार्क एंड लाइट रिएक्शन अकर्स इन द सेम कंपार्टमेंट। ये हमारा इनकरेक्ट होगा, बाकी ए बी सी जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डार्क रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाई लाइट रिएक्शन इन द स्ट्रोमा। इंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट CO2 इनटू द प्लांट लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ सुगर, और पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इज H2S एज हाइड्रोजन डोनर। ओके, फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच आर मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ ग्रेना। डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर यूज इन डार्क रिएक्शन टू फिक्स CO2 टू फॉर्म ग्लूकोज। द रोल ऑफ कैरोटीनॉइड्स इन फोटोसिंथेसिस इज टू, आंसर विल बी डी मोर देन वन ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, यानी एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए टू फ्रॉम फोटोऑक्सीडेशन। ओके, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इंटू इथाइल अल्कोहल इज फैसिलिटेड बाई, आंसर सी डी कार्बोक्सिलेज एंड डी हाइड्रोजिनेज। इन फर्मेंटेशन बाय ईस्ट द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर एनएरोबिक कंडीशन बाय सेट्स ऑफ रिएक्शंस वेयर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड इथेनॉल। द इंजाइम्स पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डी हाइड्रोजिनेज कैटालाइज दीज रिएक्शंस। द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय फंगल पैथोजेन रिपोर्टेड बाय ई क्यूरोसावा इन राइस प्लांट इज, आंसर ए फुलिस सीडलिंग। द बैक्टीरिया फुलिस सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग वाज कॉज्ड बाय फंगल पैथोजेन जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ई क्यूरोसावा रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इन राइस सीडलिंग्स व्हेन दे वेयर ट्रीटेड विथ स्टराइल फिल्टरेट्स ऑफ द फंगस। द एक्टिव सब्सटेंसेज were later identified as gibberellic acid. Match the column and select the correct option. Okay, autogamy, bisexual monosis or dioecious. So A ka yahan pe 4 ho gaya, yani autogamy, both androecium and gynoecium on the same flower. B ka third, yani ki bisexual ka, ek minute, sorry, yahan pe A ka 4 ho gaya, yani autogamy ka self pollination hoga. बी का थर्ड यानी बायोसेक्सुअल का बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम ऑन द सेल्फ सेम फ्लावर। सी का वन यानी मोनोसियस का होगा फर्स्ट, यानी बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट। डी का सेकेंड यानी डायोसियस का होगा,
मेल एंड फीमेल फ्लावर्स इन डिफरेंट प्लांट्स। ऑटोगैमी इज सेल्फ पॉलिनेशन इन विच पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टामेन इज ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। फ्लावर हैविंग बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इज कॉल्ड एज बायसेक्सुअल। प्लांट ऑन विच बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन सेम प्लांट इज कॉल्ड मोनोसियस। वेन मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट इट इज कॉल्ड एज डायोसियस। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। आंसर विल बी डी स्पोरोपोलेनिन। पॉलन ग्रेन्स आर सराउंडेड बाई आउटर वॉल कॉल्ड एज एग्जाइन विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इट इज हार्डेस्ट मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल विच कैनॉट बी डिग्रेडेड बाई एंजाइम एसिड और बेस। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल ड्यू टू स्पोरोपोलेनिन। अ व्हाइट पी प्लांट इज क्रॉस्ड अ हेट्रोजाइगस वायलेट पी प्लांट। व्हाट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफ स्प्रिंग। आंसर बी 50% रिसेसिव। अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म पी प्लांट हियर शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप एंड हुज जीनोटाइप इज टू बी डिटरमाइंड इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। द प्रोजेनिज ऑफ अ क्रॉस कैन इजिली बी एनालाइज टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 89। अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ नॉर्मल विजन वोमैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। दे हैव अ फर्स्ट चाइल्ड एज अ सन। व्हाट आर द चांसेस दैट अ चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड। आंसर विल बी बी 50%। कलर ब्लाइंड इज एक्स लिंक्ड जेनेटिक रिसेसिव डिसऑर्डर इन विच अ कैरियर फीमेल पासिस इट्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन टू 50% ऑफ इट्स मेल प्रोजेनी एंड 50% फीमेल प्रोजेनी एंड 50% मेल प्रोजेनी आर नॉर्मल। ओके लास्ट क्वेश्चन है बायो का। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वुड स्टॉप रिडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सच दैट कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। आंसर विल बी ए बीटा गैलेक्टोसाइडेज। द पीयूसी प्लाज्मिड लैक जेड जीन इज यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर इफ अ ट्रांसफॉर्मेंट इज ग्रोन इन अ मीडियम हैविंग क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इट प्रोड्यूसेस एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज ड्यू टू व्हिच ब्लू कलर्ड क्लोनीज आर प्रोड्यूस्ड। इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए सेगमेंट इन लैक जेड जीन फेल्स टू प्रोड्यूस एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एज अ रिजल्ट ऑफ कलरलेस क्लोनीज आर प्रोड्यूस्ड। ओके तो ये सारे थे बायो क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे सारे मॉक टेस्ट के। अब आते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज इन जूल सेकेंड इज। आंसर यहाँ पे ए होगा 2.11 × 10²⁻³। द शेप ऑफ एक्स सी एफ थ्री प्लस इज। आंसर सी बेंट टी शेप। फ्लैग पोल इंट्रैक्शन इज प्रेजेंट इन। आंसर ए बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। मोल रेशियो ऑफ एफ इन एफ ई ओ एफ ई टू ओ थ्री एंड एफ ई थ्री ओ फोर सैंपल ऑफ इक्वल वेट्स इज। आंसर सी 1:09:093। सी एस टू एंड एसओ टू रिएक्ट टू प्रोड्यूस। आंसर ए सी ओ एस एसओ टू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ प्लानर। आंसर यहाँ पे ए होगा। ओके अ परफेक्ट गैस ऑफ अ गिवेन मास इज हीटेड फर्स्ट इन अ स्मॉल वेसल एंड देन इन अ लार्ज वेसल सच दैट दियर वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज। द पीटी कर्व आर। आंसर यहाँ पे डी होगा लिनियर विथ डिफरेंट स्लोप। इन द गिवेन रिएक्शन सी एच टू बी आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू इन प्रेजेंस ऑफ एन एन एच टू एंड हीट गिव्स एक्स। एक्स विल बी आंसर यहाँ पे सी होगा सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए पॉजिटिव। एन पे पॉजिटिव होगा और सी पे निगेटिव।
एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C3O2 Mg2 C3R रेस्पेक्टिवली। आंसर यहाँ पे बी होगा, +4/3 एंड -4/3। द चेंज इन इंट्रोपी डेल्टा इज पॉजिटिव फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इफ इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच अकर्स एट द सेम टेम्परेचर टी देन द रिएक्शन इज फिजिबल। आंसर सी, व्हेन डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस। N2+H2 गिव्स एक्स एंड एक्स विथ CO2 एंड प्रेशर गिव्स वाई एंड वाई ऑन हीटिंग गिव्स Z+H2O। इन द एबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन वाई एंड जेड आर रेस्पेक्टिवली। आंसर विल बी बी, अमोनियम कार्बामेट एंड यूरिया। इन द गिवन रिएक्शन CH3CH2 CHBr CH डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एंड हीट गिव्स एक्स। एक्स विल बी, आंसर यहाँ पे सी होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। BeO प्लस कार्बन गिव्स CO प्लस एक्स इन प्रेजेंस ऑफ H2O गिव्स BOH होल ट्वाइस प्लस वाई। एक्स एंड वाई इन द एबो सीक्वेंस आर रेस्पेक्टिवली। आंसर यहाँ पे सी होगा, Be2C एंड CH4। 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ PCl5 आर हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल ऑफ 2 लीटर कैपेसिटी व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेंड PCl5 इज 40% डिसोसिएटेड इन टू PCl3 एंड Cl2 द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज। आंसर यहाँ पे बी होगा, 0.267। मैच द फिजिकल चेंजेस इन लिस्ट वन विथ दियर रिलेशंस गिवेन इन लिस्ट लिस्ट टू। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवेन कोट्स। ओके, तो यहाँ पे पी का 2 होगा यानी डेल्टा जी का -NFe, और ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट कर चुका है। Q का 1 यानी डेल्टा एच का होगा डेल्टा यू प्लस पी डेल भी। आर का 4 यानी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू RnRlog V2/V1। और लास्ट एस का होगा 3 यानी डेल्टा जी नॉट का होगा -RT log E K। ओके, द गिवन रिएक्शन इज CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH गिव्स इन प्रेजेंस ऑफ HBr गिव्स CH3CHBr CH डबल बॉन्ड CH2। आंसर विल बी बी, SN1। द लाइगेंड शोन हियर इज, आंसर बी 110 फेनेंथ्रोलिन। कंपाउंड ए ऑन ऑक्सीडेशन विथ हॉट KMnO4OH- गिव्स द कंपाउंड CH3CH CH3CWH एंड CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। कंपाउंड ए विल हैव द स्ट्रक्चर। आंसर विल बी बी, CH3CH CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH2 CH3। इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कॉन्स्टेंट टी एंड पी एंड इन विच ओनली पीवी वर्क इज बींग डन द चेंज इन गिब्स एनर्जी डीजी एंड चेंज इन एंट्रोपी डीएस सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। आंसर विल बी डी, डीएस वी इक्वल टू पॉजिटिव एंड डीजी टी पी इक्वल टू निगेटिव। ईच ऑफ 3 मेटल्स एक्स वाई एंड जेड वेयर पुट इन टर्न इन टू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द अदर टू। एक्स प्लस सॉल्ट ऑफ वाई और जेड इक्वल टू वाई और जेड प्लस सॉल्ट ऑफ एक्स। Which observation is probably incorrect? Answer will be C. Z plus salt of X equal to X plus salt of Z. HCl2 is the best known dihalide of sulfur. The hybrid state of sulfur in HCl2 is. Answer will be B. sp3. Which of the following is correct for the velocity of electron? Answer will be C. Rectangular hyperbola. Which oxide of carbon is obtained when potassium hexacyanoferrate second is warmed with sulfuric acid? Answer A, CO. The specific conductance of a 0.5 N solution of an electrolyte at 25 degrees Celsius is 0.00045. The equivalent conductance of the electrolyte at infinite dilution is 300. The degree of dissociation of the electrolyte is, answer will be C, 0.003। रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है।
इन द गिवन रिएक्शन सी सिक्स एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी सिक्स एच फाइव इन प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट सी एस थ्री एम जी बी आर एक्सेस एंड सेकेंड एच ओ एच एच प्लस प्रोडक्ट विल बी आंसर विल बी ए सी सिक्स एच फाइव सी ओ एच सी एस थ्री एंड सी ओ एच सी एस थ्री सी सिक्स एच फाइव। प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉफमैन ब्रोमाइड ब्रोमामाइड रिएक्शन इज आंसर यहाँ पे होगा डी पी एच सी एच ओ एच एन एच टू। इन द प्रेजेंट ग्राफ द एरिया ऑफ सर्किल ए एंड बी आर 25 यूनिट एंड 20 यूनिट रेस्पेक्टिवली वर्क डन विल बी इन यूनिट आंसर बी 5। आयोडीन क्रिस्टल्स आर एडेड टू लिक्विड अमोनिया एंड एडेड टू लिक्विड अमोनिया होना चाहिए लिक्विड अमोनिया एंड द ब्राउन प्रेसिपिटेट सो फॉर्मड इज सेपरेटेड ड्राइड एंड स्प्रेड ऑन फ्लोर। ऑन वॉकिंग ओवर द प्रेसिपिटेट हार्मलेस एक्सप्लोजन अकर्स रिलीजिंग कलर्ड गैस द पीपीटी एंड कलर्ड गैस आर रिस्पेक्टिवली आंसर विल बी सी एन एस थ्री एन आई थ्री एंड आई टू। फॉर द रिएक्शन 4A प्लस बी गिव्स 2C प्लस 2D द स्टेटमेंट नॉट करेक्ट इज आंसर यहाँ पे बी जो है और द रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ सी इज हाफ द रेट ऑफ डिसअपेयरेंस यहाँ पे इनकरेक्ट है स्टेटमेंट और बाकी ए सी और जो डी है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। द रेट ऑफ अपेयरेंस द रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ बी इज 1/4 द रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ए द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज हाफ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए और द रेट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी आर इक्वल। इफ द सॉल्ट्स M2X QY2 एंड PZ3 हैव द सेम सॉल्युबिलिटीज बट लेस देन 0.1 m दियर के एस पी वैल्यूज आर रिलेटेड एज आंसर ए के एस पी ऑफ M2X इज इक्वल टू के एस पी QY2 ग्रेटर देन के एस पी PZ3। विच ऑक्साइड ऑफ कार्बन इज ऑब्टेंड व्हेन मेलोनिक एसिड इज हीटेड विथ P2O5 एट 575 केल्विन आंसर यहाँ पे डी होगा C3O2। शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज आंसर बी होगा यहाँ पे डी डीऑक्सी राइबोपायरेनोज। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर द एंजाइम कैटालिसिस आंसर यहाँ पे होगा सी रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर ग्राफ ए होगा। अ सॉल्यूट ए अंडरगोज एसोसिएशन इन अ मीडियम एज एन ए इरिवर्सिबली गिव्स ए एन द डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज अल्फा देन व्हाट ऑफ फैक्टर मे बी गिवेन एज आंसर विल बी सी आई इज इक्वल टू 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई एन बाई वन। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ एन एस सी एल ऑफ मास 1 ग्राम एटोमिक मास एन ए इक्वल टू 23 और सी एल इक्वल टू 35.5 आंसर यहाँ पे ये होगा 2.57 × 10^21। इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस सी सिक्स एच फाइव सी डबल ओ एच इन प्रेजेंस ऑफ एसओ सी एल टू गिव्स ए इन प्रेजेंस ऑफ एन एच टू ओ एच गिव्स बी सी विल सी यहाँ बी को यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे एन ए एच और हीट से तो सी यहाँ पे क्या होगा आंसर यहाँ पे सी होगा सी सिक्स एच फाइव और एन एच टू। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन द कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट आंसर यहाँ पे ए होगा पी टी पी वाई फोर पी टी सी एल फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू तो ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे डी होगा यानी ऑल द एबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पेजो इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द नेट डाइपोल मोमेंट फेरो इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स इन द सेम डायरेक्शन और पायलर इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू हीटिंग पोलर क्रिस्टल्स। द इक्विलिब्रियम कंसिस्ट ऑफ द डिसप्रोपोर्शन ऑफ एच ई सी एल टू इंटू एच ई सी एल प्लस एंड एच ई सी एल थ्री माइनस ऑफ गिवेन एच ई सी एल प्लस प्लस सी एल माइनस रिवर्सिबली गिव्स एच ई सी एल टू के वन इक्वल टू 3 × 10^6 एच ई सी एल टू प्लस सी एल माइनस रिवर्सिबली
रिवर्सिबली गिव्स HCl3 माइनस K2 इक्वल टू 9.0। आंसर यहाँ पे डी होगा, 3 × 10⁻¹। वन गैस ब्लीचेज द कलर ऑफ फ्लावर्स बाई रिडक्शन वाइल द अदर बाई ऑक्सीडेशन, द टू जीन्स रेस्पेक्टिवली आर। आंसर यहाँ पे डी होगा, SO2 एंड Cl2। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनस पॉलीसेकेराइड्स। आंसर यहाँ पे डी, गम अरेबिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर ए, प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइजेज अ कार्बोकेटायन। ओके, क्वेश्चन नंबर 43। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ए, इन प्रेजेंस ऑफ ओ थ्री एंड एच टू ओ जेड एन गिव्स CH3C डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री प्लस 3CHO 3HCHO। कंपाउंड ए विल बी, आंसर विल बी सी, CH3C डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच टू। ओजोनोलाइसिस का एग्जाम्पल ये है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स ऑफ द फॉर्मूला C7H8O इज सोल्यूबल इन NaOH बट नॉट इन NaHCO3। इट गिव्स कलर विथ अल्कोहलिक FeCl3। ऑन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन वाटर इट गिव्स ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट। द कंपाउंड ए इज, आंसर विल बी BM क्रेशॉल। विच मिक्सचर इज लाइटर देन ह्यूमिड एयर। आंसर डी, N2 प्लस O2 प्लस HE। ओके, तो ये सारे सारे केमिस्ट्री क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नए व्यूअर्स से प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो सारे आते रहेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट के क्वेश्चन। और फर्स्ट यहाँ पे फिजिक्स का, फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच कैन आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम। आंसर विल बी ए, 3.28 × 10⁻¹ Hz। द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इक्वल टू 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 एन इक्वल टू फोर स्टेट इन हाइड्रोजन एटम इज। आंसर विल बी डी, प्लस 2.55। अ बॉडी ऑफ मास 3 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3 k कैप मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विथ अनदर बॉडी ऑफ मास 4 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 k मीटर पर सेकेंड। द टू बॉडी स्टिक टूगेदर आफ्टर कोलिजन। द वेलोसिटी ऑफ द कॉम्पोजिट बॉडी इज। आंसर विल बी बी, 1/7 × 18i कैप प्लस 17j कैप माइनस 3 k कैप। अ क्वाइल हैज सेल्फ इंडक्टेंस एल इक्वल टू 0.04 हेनरी एंड रेजिस्टेंस इक्वल टू आर इक्वल टू 12 ओम। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 15 हर्ट्ज सप्लाई, व्हाट विल बी द करेक्ट फ्लोइंग थ्रू द क्वाइल। आंसर विल बी ए, 12.7 एम्पियर। A 2 kg stone tied at the end of a string 1 meter long is whirled along a vertical circle of a constant speed of 4 meter per second. The tension in the string has a value of 52 newton when the stone is. Answer will be C, at the bottom of the circle. A pendulum of length L carries a negative charge minus Q on the bob. A positive charge plus Q is held at the point of support, then the time period of the bob is. Answer will be C, equal to 2 pi under root L by G. A battery is charged at a potential of 15 volt in 8 hour when the current flowing is 10 ampere. The battery on discharge supplies a current of 5 ampere to 50 For 15 hour, the mean terminal voltage during discharge is 14 volt. The watt hour efficiency of battery is. Answer will be C, 87.5%. An ideal battery of EMF 2 volt and a series resistance are connected in the primary circuit of potentiometer of length 1 meter and resistance 5 ohm, the value of R to give a potential difference of 5 millivolt across 10 centimeter of potentiometer wire is. Answer will be C, 195 ohm. The current through the solenoid is changing in such way that flux through it is given by phi equal to ET.
The solenoid is surrounded by a loop having resistance R1 and R2 as shown. Then the reading of the two voltmeter V1 and V2 differ by. Answer will be C, epsilon into R1 minus R2 by R1 plus R2. A circular current carrying coil has a radius R. The distance from the center of the coil on the axis where the magnetic induction will be 1 by 8th of its value at the center of the coil is. Answer will be B, R by under root 3. Two long concentric cylindrical conductors of radii A and B, B is less than A, are maintained at a potential difference V and carry equal and opposite currents I. An electron with a particular velocity u parallel to the axis will travel undeviated in the evacuated region between the conductors. Then u is equal to, answer will be 2 pi v by mu naught I ln A by B. A circuit has a self inductance of 1 Henry and carries a current of 2 ampere. To prevent a sparking when the circuit is switched off, a capacitor which can withstand 400 volt is used. The least capacitance of a capacitor connected across the switch must be equal to. Answer will be B, 25 microfarad. The ratio of acceleration due to gravity at a height 3R above the Earth's surface to the acceleration due to gravity on the surface of the Earth is R is equal to radius of Earth. Answer will be C, 1 by 16. A particle is pulled along a curved surface very slowly. The coefficient of kinetic friction between the particle from the lowest point A to the topmost point B equals. The mass of the particle is 5 gram. Answer yahan pe hoga B, 0.1 joule. A metallic sphere cools from 50 degrees Celsius to 40 degrees Celsius in 300 seconds. If the room temperature is 20 degrees Celsius, then its temperature in the next 5 minutes will be, answer will be B, 33.3 degrees Celsius. 2 moles of a certain ideal gas at a temperature 300 Kelvin were cooled isochorically so that the gas pressure is reduced eta equal to 2 times. The gas is expanded isobarically afterwards till its temperature got back to original value. The total amount of heat absorbed by gas in this process is Cv equal to 1.5 R. Answer will be B, 2500 joule. A gas does 4.5 joule of external work during adiabatic expansion. If its temperature falls by 2 Kelvin, then its internal energy will be, answer will be B, decreased by 4.5 joule. Two salt bar magnets with magnetic moments 400 AB ampere centimeter square and 800 are placed with their axis in the same straight line with similar poles facing each other and with their centers at 20 cm from each other. Then the force of repulsion is, answer will be A, 12 dyne. A particle of mass m and moving with velocity v describes a circular path of radius r when subjected to a uniform transverse magnetic field of induction B. The work done by the field when the particle completes one full circle is, answer will be B, 0. A boat covers 24 km upstream and 36 km downstream in 6 hours while it covers 36 km upstream and 24 km downstream in 6.5 hours. The velocity of the current is, answer will be C, 2 km per hour. From the ground, a projectile is fired at an angle of 60 degrees
टू द हॉरिजेंटल विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, आंसर विल बी सी 20√3 मीटर। अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इज हिट बाई अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन इट फॉर 0.1 सेकेंड, देयर बाई क्रिएटिंग एन एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द इम्पल्स ऑफ फोर्स इज, आंसर विल बी सी 0.3 न्यूटन सेकेंड। अ ब्लॉक बी इज पुश्ड मोमेंटरली अलोंग अ हॉरिजेंटल सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी वी, इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड द सरफेस, ब्लॉक बी विल कम टू रेस्ट आफ्टर अ टाइम, आंसर विल बी ए वी बाई जी म्यू। क्वेश्चन नंबर 24, अ न्यूक्लियस एक्स एम एन इमिट्स वन अल्फा पार्टिकल एंड टू बीटा माइनस पार्टिकल्स, द रिजल्टिंग न्यूक्लियस इज, आंसर विल बी सी एम माइनस फोर और एन, एन ही हो जाएगा, एक्स एक्स एम माइनस फोर और एन। एमोंगेस्ट द थ्री आइसोटॉप्स ऑफ नियोन, एनी 2010, एनी 21 और 10 और एनी 22 और 10, द न्यूक्लियस विद द लोवेस्ट एन बाई पी रेशियो इज, आंसर विल बी सी 20/10 एन ई। द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एज शोन इन द फिगर, द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज, आंसर विल बी बी 150 न्यूटन पर मीटर। द पाथ लेंथ ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 16 सेंटीमीटर, इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज जी इक्वल टू पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर यहाँ पे सी होगा 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। द करेक्टनेस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड इज 0.005%, द एक्यूरेसी विथ विच इट्स पोजिशन कैन बी मेजर्ड विल बी, आंसर विल बी बी 4634 × 10⁻⁵ मीटर। द सन रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एट द रेट ऑफ 3.9 × 10⁶ वाट, इट्स रेडियस इज 6.96 × 10⁸ मीटर, द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट एट द सोलर सरफेस विल बी, आंसर विल बी डी 6.4 × 10⁷। इफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, देन द लिक्विड राइजेज टू हाइट एच, द कोरस्पॉन्डिंग मास ऑफ लिक्विड कॉलम इज एम, द मास ऑफ वाटर दैट वुड राइज इन अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ ट्वाइस द रेडियस इज, आंसर विल बी ए 2 m। अ सिलिंड्रिकल वेसल कंटेन्स अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो अप टू अ हाइट एच, द लिक्विड इज क्लोज्ड बाई अ पिस्टन ऑफ मास एम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, देयर इज अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द वेसल, द स्पीड भी विथ विच द लिक्विड कम्स आउट ऑफ द होल इज, आंसर विल बी बी √2 × gh + mg बाई रो ए। रिपीट क्वेश्चन ये भी है। अ रे ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स अ रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर रेस्पेक्टिवली आर एंड आर प्राइम, इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, द क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवेन पेयर ऑफ द मीडियम इज, आंसर विल बी बी साइन इनवर्स 10 r। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। टू व्हाइट पॉइंट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट ऑन अ ब्लैक पेपर, दे आर व्यूड बाई आई ऑफ पीपल डायमीटर 3 मिलीमीटर, अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच दीज डॉट्स कैन बी रिजॉल्व बाई द आई, टेक वेवलेंथ ऑफ लाइट इक्वल टू 500 नैनोमीटर, आंसर यहाँ पे ये होगा 5 मीटर। अ पार्टिकल ऑफ मास एम इक्वल टू 5 यूनिट्स इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी इक्वल टू 3√2 यूनिट्स इन द एक्स वाई प्लेन एलॉन्ग द लाइन वाई इक्वल टू एक्स प्लस फोर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज, आंसर विल बी बी 60 यूनिट्स। अ मास इज वर्ल्ड इन अ सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स
एंगुलर मोमेंटम इज एल इफ द स्ट्रिंग इज नाउ हाफ कीपिंग द एंगुलर वेलोसिटी द सेम द एंगुलर मोमेंटम इज आंसर विल बी ए एल बाई फोर. द बैंड गैप्स ऑफ एन इंसुलेटर कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर आर रेस्पेक्टिवली ई जी वन ई जी टू एंड ई जी थ्री. द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज गिवेन एज आंसर ए ई जी वन सबसे ज़्यादा देन ई जी टू यानी सबसे ज़्यादा इंसुलेटर का देन ई जी टू यानी कंडक्टर का देन सबसे उसके बाद होगा यहाँ पे ई जी थ्री यानी कि सेमी कंडक्टर का ई जी टू से ज़्यादा होगा. ई जी वन सबसे ज़्यादा देन ई जी थ्री देन ई जी टू. Which logic gate is represented by the following combination of logic gates? Answer will be C AND gate. V versus T curves at constant pressure P1 and P2 for an ideal gas are shown in the figure. Here answer will be A. P1 is greater than P2. Repeated question A bhi hai. Which of the following pairs does not have similar dimensions? Answer will be A. Tension and surface tension. When sunlight is scattered by atmospheric atoms and molecules, the amount of scattering of light of wavelength 880 nanometer is A. Then the amount of scattering of light wavelength 330 nanometer is approximately. Answer will be D. 50.5 ampere. Question number 41. A star is moving away from Earth with velocity of 100 km per second. If the velocity of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second, then shift of the spectral line of lambda equal to 5700 angstrom due to Doppler effect will be. Answer will be A. 1.90 angstrom. Three waves of equal frequency having amplitudes 10 mm, 4 mm, and 7 mm arrive at a given point with a successive phase difference of pi by 2. The amplitude of the resulting wave in millimeter is given by. Answer will be C. 5. The equation of a progressive wave can be given by y equal to 15 sine 660 pi t minus 0.02 pi x centimeter. The frequency of the wave is. Answer will be A. 330 hertz. Question number 44. A body of mass 5 kg is thrown vertically up with a kinetic energy of 490 joule. The height at which the kinetic energy of the body becomes half of the original value is. Answer will be D. 5 meter. Last question हमारा physics का और video का भी है. A body constrained to move in y direction is subjected to a force given by F is equal to minus 2i cap plus 15 j cap plus 6 k cap newton. The work done by this force in moving the body distance of 10 meter along the y axis is. Answer will be B. 150 joule. Okay, तो ये सारे थे हमारे physics, chemistry और bio questions. Video अच्छा लगे तो please like कर देना और जो इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे ही सारे मॉक टेस्ट के वीडियो आते रहेंगे. और जिन्हें भी एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट के सारे पीडीएफ चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वाचिंग. हैव अ नाइस डे.